हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आईटीआर अपलोड हो जाने के बाद अगर आपने ई वेरीफाई लेटर पर क्लिक किया था तो आपके पास 120 दिन का समय है अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करने के लिए। लेकिन 120 दिन का समय आपको तभी मिलेगा जबकि आपने 31 जुलाई तक अपनी आईटीआर फाइल कर ली थी। अगर आप 1 अगस्त या फिर 1 अगस्त के बाद से अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो उस पर आपको सिर्फ 30 डेज का टाइम मिलेगा अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करने के लिए। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपने ई वेरीफाई लेटर पर क्लिक करके 120 दिन का समय मांगा था तो अपने अकाउंट में बिना लॉगिन किए आप किस तरह से अपने आईटीआर को ई वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर क्विक लिंक्स में हमें ये ऑप्शन दिए गए हैं कि हम बिना अकाउंट में लॉगिन किए ही अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई कर सकते हैं। और इन केस आपके पास आपका पासवर्ड नहीं है, किसी और ने आपकी आईटीआर फाइल की थी, तब भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है कि आप बिना पासवर्ड के, आपको रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है अपना पासवर्ड, आप बिना पासवर्ड के भी अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप आईटीआर को ई वेरीफाई नहीं करेंगे या फिर आप करना भूल जाते हैं तो आपका रिटर्न इनवैलिड हो जाएगा और वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए अपलोडिंग के बाद आपका काम खत्म नहीं होता है, आईटीआर को ई वेरीफाई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं कि किस तरह से बिना अकाउंट में लॉगिन किए आप आईटीआर को ई वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्विक लिंक्स में हमें ऑप्शन मिलता है ई वेरीफाई रिटर्न का, यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें डेटा एंटर करना है, आपका पैन नंबर है, असेसमेंट ईयर, एक्नॉलेजमेंट नंबर और मोबाइल नंबर। यहाँ पर हम सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हैं। आईटीआर अपलोड हो जाने के बाद आपको इस तरह से एक्नॉलेजमेंट रिसिट मिलती है और इस एक्नॉलेजमेंट रिसिट में सबसे ऊपर आपको मिलता है यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर। यही नंबर आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन में फिलअप करना है और इसी में आपको अपना पैन नंबर भी मिल जाएगा। असेसमेंट ईयर आपको यहाँ से मिल जाएगा, असेसमेंट ईयर है 22-23। और मोबाइल नंबर आपको वो देना है जो करेंटली आप यूज़ कर रहे हैं, जिस पर कि OTP आएगा। सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हम नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके पास एक OTP आएगा और ये OTP आपके ई वेरिफिकेशन के लिए नहीं है, ये जस्ट एक इंटीमेशन के लिए है कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट डाली हैं और आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP जाएगा जिससे कि आप आगे ई वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीड कर पाएंगे। तो जो भी आपके फ़ोन नंबर पर OTP गया है वो हम यहाँ एंटर कर लेंगे। OTP एंटर करके सबमिट पर क्लिक करते ही हमारे पास इस तरह से स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पर आप आईटीआर को किस तरह से ई वेरीफाई करना चाहते हैं वो सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर मिलेंगे। आप आधार के थ्रू करना चाहते हैं, डिजिटल सिग्नेचर से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, या फिर आपके पास ऑलरेडी EVC कोड है और उसे आप एंटर करके यहाँ पर ई वेरीफिकेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आधार OTP से करेंगे जो कि बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है। अगर आपका आधार OTP वर्क नहीं कर रहा है तब आप नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब हम यहां पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू, बॉक्स में टिक लगाएंगे आई अग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल्स, जनरेट आधार OTP। यहां पर OTP एंटर करेंगे। OTP एंटर करने के बाद हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद तुरंत ही हमारे पास मैसेज आ जाता है, रिटर्न ई वेरीफाइड सक्सेसफुली, योर ITR1 असेसमेंट ईयर 22-23 हैज बिन सक्सेसफुली ई वेरीफाइड। यहाँ पर ट्रांजेक्शन ID मिलेगी। इसके साथ में नीचे आपको दो ऑप्शन भी मिलते हैं, डाउनलोड रिटर्न का और डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का। डाउनलोड रिटर्न पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा ITR फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा जो कि 3-4 पेज का होता है। और अगर आप डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्नॉलेजमेंट रिसिट डाउनलोड हो जाएगी जो कि सिर्फ एक पेज की होती है। यहाँ पर आपके आईटीआर का प्रोसेस एंड हो चुका है। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये जो एक्नॉलेजमेंट रिसिट है ये ई वेरीफाई हो चुकी है और इसमें आपको नीचे लिखा हुआ भी मिलेगा डू नॉट सेंड दिस टू बेंगलोर। ये एक्नॉलेजमेंट रिसिट आप अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखिएगा, इसे कहीं पर भी भेजना नहीं है। तो यहाँ से आपको दो ऑप्शन ये भी मिल जाते हैं कि आप बिना अकाउंट में लॉगिन किए ही अपने आईटीआर फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरा आप अपनी एक्नॉलेजमेंट रिसिट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दूसरों के साथ इसे शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।